72 लाख का 3 BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट खरड़ लांड्रा हाईवे पे। क्यों, है ना अच्छी डील? आओ पूरी सोसाइटी दिखाती हूँ। Welcome back to our channel Trust City Property Guru. I'm your host Saranum, जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं। So guys, आज के हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कासा होम्स, जो लोकेटेड है खरड़ लांड्रा हाईवे पे। इस साइड आप देख सकते हैं, ये आपका हाईवे है। दिस इज योर खरड़ लांड्रा हाईवे, जिसमें अगर आप सीधे चले जाते हैं आप दिल्ली अम्बाला साइड को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इस तरफ को चले जाते हैं तो यहाँ से आप सीधा हिमाचल की तरफ को कुराली फर्दर पंजाब के लिए एक्सेस कर सकते हो। मतलब ईजी कनेक्टिविटी है, कहीं के लिए भी जाना हो ईजिली यहाँ से आप जा सकते हो। नियर बाय स्कूल्स की, कॉलेज की, हॉस्पिटल्स की बात करेंगे अगर हम, तो वो भी आपका सारा यहाँ पे नियर बाय में मिल जाएगा। मार्केट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट के बाहर निकल के हाईवे आपका तो पूरा मार्केट आ जाता है। कुछ भी आपको शॉप करना हो वो आपको प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट में यहाँ पे मिल जाएगा। बाहर ज़्यादा भाग दौड़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। सो ये रहेगा हमारे आज के प्रोजेक्ट का मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहेगा मेन गेट, जहाँ पे आपका इस साइड से रहेगा एग्जिट के लिए, एंड ये आपका एंट्री के लिए रहेगा। टू वे रोड मिल जाएगा आपको एंट्री में ही, एंड आपका गेट भी टू वे रहने वाला है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स आपके 24/7 आपको मिल जाएंगे। मतलब आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, पूरी गेटेड टाउनशिप है। आइए चलते हैं अंदर, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है हमारे आज के प्रोजेक्ट का, अंदर से आपको दिखाती हूँ। आइए। सो गाइस, जैसे आप गेट से अंदर एंटर करेंगे, मेरे इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे रहने वाला है पार्क एंड किड्स प्ले एरिया। बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है, जहाँ पे आपके बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, आप भी यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके का लुक रहेगा पूरी सोसाइटी का, आप देखिए मेरे पीछे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देखिए कि रोड भी आपके कितने ज़्यादा वाइड रहने वाले हैं। ये तो आपका एंट्री पार्ट है तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, अब बट अंदर के आपके जो रोड रहेंगे वो भी आपके 40-45 feet वाइड रहने वाले हैं। मतलब आपको ट्रैफिक का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो आइए। सो गाइज, अगर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो स्पैनिश आर्किटेक्चर के ऊपर आपका पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन है, स्पैनिश स्टाइल का। आपको पूरा यहाँ पे एलिवेशन मिल जाएगा अगर आप देखेंगे। पूरी टाउनशिप की बात करेंगे तो 6 acre की टाउनशिप है, जिसमें टोटल 281 फ्लैट्स रहेंगे, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो 250 फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पर रिजाइडिंग है। तो रेडी टू मूव भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, एंड अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन सर्च कर रहे हैं तो वो भी आप ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। G+2 का कंसेप्ट है, विद लिफ्ट रहने वाले हैं गाइज, आप देख सकते हैं इस तरीके का एलिवेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। मतलब टाउनशिप के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ऐसा कि आप किसी सोसाइटी के अंदर या अंदर आ गए हो, मतलब आपको ऐसे लगेगा किसी शहर के अंदर आ गए हो। बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन है पूरी ही सोसाइटी। और एम्यूनिटीज़ की भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्लब हाउस मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डिफरेंट एम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी, लाइक योर जिमनेजियम, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। आपके ग्रीन पार्क सोसाइटी के अंदर रहने वाले हैं, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आज जो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है आपका 3+1 BHK इन द साइज ऑफ 150 square yard, बट उसके अलावा यहाँ पे आपको 2 BHK इन्वेंट्री भी मिल जाएगी। तो दोनों में से आप चूज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो आइए चलते हैं अब हमारे सैम्पल अपार्टमेंट की ओर, जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3+1 BHK का, जो जिसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगी। आप फुली फर्निश भी बाय कर सकते हैं, सेमी फर्निश लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। आइए। सो गाइस, एक फ्लोर पे आपके 2 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, सेंटर में लिफ्ट रहेगी एंड स्टेयरकेस भी प्रोवाइडेड रहेगा इन केस आप ऊपर फ्लोर बाय करते हैं तो। सो ये आ जाएगा हमारे फ्लैट का ड्राइंग एरिया। अगर इसकी साइज की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज रहने वाला है 11x11.4। काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं इन्होंने सिटिंग ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज कर रखी है, बीच में आपका टेबल भी है, यहाँ पे आपका पूरा सिटिंग के लिए स्पेसेस आ जाएंगे। तो अच्छे से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। सामने वाली वॉल आ जाएगी, जहाँ पे LED लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप भी लगा सकते हैं। अगर फुली फर्निश बाय करते हैं तो आपको LED भी साथ में प्रोवाइड की जाएगी। पीछे वॉलपेपर वर्क आ जाएगा पूरा,
काफी ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इसको, काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ पे आपके पास। ऊपर फॉल सीलिंग आ जाएगा विद छोटी लाइट्स एंड बीच में आप ये शैंडलियर भी देख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो घर में कम चीज़ें होने के बाद भी ये घर आपका बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। कुछ इसी तरीके से इसका लेआउट डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपका बालकनी आ जाएगा जो आपके ड्राइंग एरिया के साथ एंड आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो वो आपको फर्स्ट बेडरूम से दिखाऊंगे। अब आपके ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग स्पेस। सो गाइस, इसका साइज रहेगा 13x6.6। जैसे कि आप देख सकते हैं 4-seater डाइनिंग टेबल यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, तो एक छोटी फैमिली के लिए इट्स इनफ स्पेस कि आप अपना डाइनिंग टेबल वगैरह यहाँ पे अच्छे से सेट कर सकते हैं। पीछे आप देखेंगे काफ़ी ब्यूटीफुल सा पीस यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, पूरी वॉल पे वॉलपेपर वर्क आ जाएगा, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ऊपर फैन देख सकते हैं आप। अगेन फॉल सीलिंग आपका यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगा जो आपके ड्रॉइंग एरिया में था, इसमें भी आपका छोटी छोटी लाइट्स आ जाएंगी बीच में जो अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। पूरे ही घर में अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो आपका पूरे ही घर में टाइल वर्क रहने वाला है एंड काफ़ी अच्छा स्पेस है। मतलब हर चीज़ के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्पेस मिल जाएगा, जैसे आप ड्राइंग एरिया वहाँ पे सेट कर सकते हैं, देन आपका डाइनिंग एरिया यहाँ पे सेट हो जाएगा, देन इसी के साथ एडजॉइंट आपका किचन आ जाएगा। मतलब वहाँ पे आप गरम गरम खाना बनाइए एंड यहाँ पे बैठ के आराम से खाइए। सो ये रहेगा किचन। सो इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज रहेगा आपका 8.1x7। इनर स्पेस है आपका किचन में भी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपके रेफ्रिजरेटर का स्पेस आ जाएगा, देन यहाँ पे ड्यूल सिंक, ऊपर कैबिनेट्स हैं जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करके रख सकते हो, प्रॉपर स्पेस बना हुआ है हर चीज़ के लिए। देन इस साइड भी आपके कैबिनेट्स आ जाएंगे जिसमें यहाँ पे बीच में आपका आरओ आ जाएगा, अगर आप फुली फर्निश्ड परचेज करते हैं तो वो आपको एज इट इज मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपके गीजर के लिए स्पेस एंड आपके एग्जॉस्ट के लिए स्पेस आ जाएगा। अगर आप सेमी फर्निश बाय करते हैं, फुली फर्निश लेंगे तो आपको दोनों चीज़ें साथ में मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आ जाएगा बहुत बड़ा सा विंडो फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन। एंड इसका एक और फ़ायदा है कि आप अपने किचन से ही देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी विजिट करने के लिए आता है ना तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं। कभी हम ऑर्डर करते हैं, स्विगी करते हैं, जोमेटो करते हैं, तो कोई भी डिलीवरी करने के लिए आता है, आप पहले यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके डोर को कौन बेल कर रहा है, उसके बाद आप वहाँ जा सकते हैं, तो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। देन कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा कुकिंग काउंटर विद ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का वर्क रहेगा पूरे ही किचन में। देन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं आप अपना हॉब, बिल्कुल सेंटर में एग्जैक्ट प्लेस आ जाएगा। यहाँ पे रहेगी आपकी गैस पाइपलाइन, जैसे आप देख सकते हैं गैस पाइपलाइन यहाँ पे रहेगी, आपका जो सिलेंडर है वो बाहर इंस्टॉल होगा, अंदर आप नहीं रख सकते सिलेंडर। एंड देन यहाँ पे आ जाएगी आपकी चिमनी, यहाँ पे ऊपर भी आपके दोनों साइड कैबिनेट्स हैं। जैसे कि इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस है, ईजिली अपना सामान रख सकते हो। देन इस साइड आएंगे तो इस साइड अगेन आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे, एक आपका यहाँ पे आ जाएगा, देन इस साइड भी आपके कैबिनेट्स हैं। ऊपर के कैबिनेट्स ये थे आपके, एंड नीचे के कैबिनेट्स की बात करेंगे तो ये भी आपके काफ़ी अच्छे साइज में आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट साइज का कैबिनेट मिल जाएगा, जैसे ये थोड़ा छोटा है, देन ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा आपका। इस साइड भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस भी है, मतलब इजीली आप अपना सारा सामान यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो ये था हमारा किचन। अब इसी के साथ मैं आपको दिखा चुकी हूँ हमारा ड्राइंग एरिया जो काफ़ी स्पेशियस सा था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देन आपका डाइनिंग एरिया जो आपने वहाँ पे देखा। तो मतलब हर चीज़ के लिए आपको पर्टिकुलर स्पेस मिल रहा है घर में। तो अब हम बाहर की चीज़ें तो सारी चेकआउट कर चुके हैं, अब हम चलेंगे रूम्स की तरफ, आपके प्राइवेट स्पेसेस की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसका साइज रहेगा आपका 10.4x11। काफ़ी स्पेशियस रूम है, इनफ स्पेस है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा बेड आपका यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे मूव करने के लिए इनफ स्पेस बच जाता है। आप यहाँ पे अपना LED इजीली लगा सकते हो। पीछे बालकनी आ जाएगी आपकी, आइए। सो ये आ जाएगी आपकी बालकनी, आपके जैसे कि मैंने बताया था ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी कनेक्टेड है, देन आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी। काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा रहने वाला है जब भी आप इस बालकनी में देखेंगे, अगर आप एक बार लुक देंगे इस साइड
बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा रहने वाला है कभी भी आप टी कॉफ़ी अगर अपनी बालकनी में बैठ के इंजॉय करते हैं तो। स्पेस की बात करूँगी, काफ़ी अच्छा स्पेस है, इतना है कि आप यहाँ पे अपना सिटिंग अरेंज कर सकते हो, बैठ के चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हो। फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ आपका रेलिंग का हाइट भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। एंड गाइज, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि आपकी जो पार्किंग रहेगी वो सारी आपकी सरफेस पार्किंग रहने वाली है, आउटसाइड वाली। प्रॉपरली हर फ्लैट को एक पार्किंग स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे 250 अप्रॉक्सीमेटली फैमिलीज ऑलरेडी रिजाइडिंग है। जैसे कि अगर आप इस साइड देखेंगे आपको देख के पता लग जाएगा कि लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। एंड गाइस, बालकनी में जो आपके डोर रहेंगे वो विद टफन ग्लास आ जाएंगे जो आपके साउंड प्रूफ होते हैं। देन कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे रहेंगे आपके कबर्ड्स, इनफ साइज है कबर्ड के अंदर कि आपके कपड़े इजीली आप स्टोर कर सकते हो, ऊपर भी स्पेस आ जाएगा, देन अंदर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर भी आपको एक कैबिनेट मिल जाएगा तो अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो कपड़े अंदर। एंड इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा वॉशरूम। सो गाइस, ये आ जाएगा वॉशरूम जिसमें यहाँ पे सीधा आके आ जाएगा आपका वॉश बेसिन, मिरर, यहाँ पे रहेगी आपकी सीट एंड यहाँ पे रहने वाला आपका बाथिंग सेक्शन। प्रॉपर आपके टैप्स, शावर सब प्रोवाइडेड है, एग्जॉस्ट आपका लगा हुआ है। देन अगर मैं बात करूँगी तो फ्लोरिंग आपका सारा एंटीस्किड रहने वाला है, वुडन टेक्सचर की आपकी सारी फ्लोरिंग आ जाएगी। देन ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप टाइलिंग देख सकते हैं, ग्लॉसी टाइल्स यूज करी गई हैं आपकी एंड डिजाइन भी काफी अच्छा आ जाएगा। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब बाहर का एरिया सारा दिखा चुकी हूँ, आपका फर्स्ट बेडरूम हो गया, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड बेडरूम। सो अगर इसके साइज की बात करूँ, 11.7x11.4 इसका साइज रहने वाला है। काफी स्पेशियस रूम है, आप देखेंगे बेड यहाँ पे इंस्टॉल्ड है आपका, इतना बड़ा बेड है। यहाँ पे आपके वॉशरूम तक आप इजिली मूव कर पाए, इतना स्पेस है। देन सामने अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये चेस्टर रखा हुआ है, उसके बाद भी मेरे पास इतना स्पेस बच रहा है यहाँ पे मूव करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना एलईडी पैनल लगा सकते हैं इजीली। इस साइड इतना स्पेस है कि आप अपने कबर्ड्स इजीली ओपन कर सकते हैं। विद स्लाइडिंग डोर रहेंगे जिनमें आपका यहाँ पे भी स्पेस है, ऊपर भी आपका स्पेस आ जाएगा। बेड के पीछे वॉलपेपर बहुत ही ब्यूटीफुल से डिजाइन का इंस्टॉल किया गया है। आप चाहेंगे अगर आप फुली फर्निश लेंगे आपको चॉइस भी मिल जाएगा वॉलपेपर्स में, आप चेंज भी करवा सकते हैं इनको। फ्लोरिंग यहाँ पे भी आपका सारा टाइल वर्क रहने वाला है। इसके साथ भी आपको यहाँ पे बैकयार्ड अटैच मिलेगा जहाँ पे आपका यूटिलिटी एरिया आ जाएगा। सो गाइज, ये आ जाएगा आपका बैकयार्ड, टैप्स वगैरह सब प्रोवाइडेड है तो यूटिलिटी के पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे एसी के फैंस वगैरह भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रखे हैं तो आप भी ऐसे कुछ कर सकते हो। यहाँ पे ये जो आपका पार्ट आ जाएगा बीच में, ये पूरा ऊपर तक ओपन रहने वाला है तो वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छी चीज है, लाइटिंग भी प्रॉपर आती रहेगी। एंड गाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका 3+1 BHK है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +1 रूम जिसको आप मल्टीपर्पजली यूज कर सकते हैं, एज अ स्टोर यूज कर सकते हैं, सर्वेंट रूम यूज कर सकते हैं, पूजा स्पेस बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं, मतलब जैसे भी आपका मन हो उस तरीके से आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो ये जो आपका बैकयार्ड है ये आपके मास्टर बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका डोर आ जाएगा। एंड देन अब बैल्कनी के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम, ये भी आपको दिखा देती हूँ पूरा। सो ये आ जाएगा वॉशरूम आपके सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड। स्टार्टिंग में यहाँ पे बेसिन रहेगा, मिरर, देन यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका सीट है, बाथिंग सेक्शन सारा कुछ प्रोवाइडेड है, आपके टैप्स शार वगैरह आ जाएगा। फॉर द वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट के लिए वहाँ पे आपका विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा, एग्जॉस्ट आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। सो गाइज, ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, अब हम चलेंगे हमारे मास्टर बेडरूम में। आइए, सो ये आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम। बाकी रूम्स के मुकाबले इसका साइज थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। फ्लोरिंग इसमें सारी आपकी वुडन की रहने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं, साउंड से भी आपको पता चल जाएगा। फॉल सीलिंग ऊपर
और एक ब्यूटीफुल सा लगा रखा है जिसमें आप बीच में ये शैंडलियर भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। पीछे वॉलपेपर आ जाएगा पूरा, जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में आपका यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग आ जाएगी। बेड आपका इतना बड़ा इंस्टॉल्ड है, उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी सारा स्पेस बच रहा है। इवन योर साइड टेबल्स आर हियर। एंड सामने अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पे चेस्टर भी रखा हुआ है, उसके बाद भी मूव करने के लिए इनफ स्पेस है मेरे पास। यहाँ पे LED पैनल लगा सकते हो आप। एंड कमिंग टू दिस साइड, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ना इन्होंने पेंटिंग लगा रखा है, तो अगर आप चाहेंगे ना यहाँ पे छोटा मोटा आप काउच ऐड कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिल जाएगा। आपका बेड थोड़ा सा परे करके आप यहाँ पे काउच रख सकते हो, या फिर सिटिंग के लिए दो चेयर्स रख सकते हो, मतलब इजिली एडजस्ट हो जाएगा। देन इसी के साथ यहाँ पे इसमें जो आपका कवर्ड एरिया वो बिल्कुल सेपरेट आ जाएगा, यहाँ पे वॉशरूम रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कवर्स का साइज सफिशियंट साइज मिल रहा है, जिसपे आप अपना सारा सामान इजीली स्टोर कर सकते हो। ऊपर भी स्पेस आ जाएगा, इस साइड भी आपके पास स्पेस है। एंड देन गाइस, अगर आप यहाँ पे चाहोगे ना, यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा ड्रेसिंग टेबल एडजस्ट कर सकते हो, या फिर मिरर लगा सकते हो बड़ा सा यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे तैयार होके मस्त अपना चेकआउट यानी भी कर लो आप। यहाँ पे आपका वॉशरूम है, बहुत अच्छा एरिया बन जाएगा आपका। सो यहाँ है आपका वॉशरूम, आइए। विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स आप देख सकते हैं, वॉश बेसिन प्रोवाइडेड है, सीट आ जाएगी आपकी, मिरर यहाँ पे देख सकते हैं, सारे टैप्स प्रोवाइडेड रहेंगे, फुल वॉल लेंथ पे आप टाइलिंग देख सकते हो, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटिस्केट आ जाएगी।